संदीप, पिछले साल और उसके भी पिछले साल से काफी लोगों ने इस घटना की तुलना करने की कोशिश की है। म्यांमार में जो हमारे सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, उसके बाद उरी के बाद हमारा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बालाकोट में हमारे एयर स्ट्राइक्स हुए, चाइना में हमारे पास में कोई प्रॉक्सी नहीं है जिसके खिलाफ कोई काइनेटिक ऑपरेशन किया जा सके। क्या आपको एक इस स्थिति में आपको किसी इंडियन रिस्पांस की संभावना लगती है? यदि हाँ तो वो क्या हो सकता है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? निखिल, ये जो है, जो तीन कंट्रीज की आपने बात की है, ये जो है वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं है तीनों के लिए। तीनों के लिए अलग अलग सॉल्यूशन है। म्यांमार के लिए एक अलग सॉल्यूशन है, वहां पे जो है उनको पता नहीं है कि उनके कैंप्स कहाँ पर है, वो एक है। पाकिस्तान जो है मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, वो खुद ही कैंप लगा के उनको ट्रेन करके यहाँ पे। चाइना के बारे में ऐसे कोई टेररिज्म का प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ टेरिटोरी सलामी स्लाइसिंग जो कहते हैं, वो मतलब हमारे टेरिटरी को धीरे 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 निबल करते जा रहे हैं और हड़प रहे हैं। तो एक्चुअली एक बहुत ही दुनिया का सबसे बड़ा जिसे कह सकता है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है एक तरह से देखा जाए तो वो धीरे धीरे मतलब कई सालों से वो लैंड एक्वायर करते जा रहे हैं। तो चाइना के साथ जो है, एक तो हमें बहुत ही फर्म होना रहना चाहिए, जैसे हमने डोकला में उनको दिखाया कि देखिए आप कुछ भी करें, आपकी मतलब $10 trillion की इकोनॉमी हो या 20 trillion की, अपनी इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स हो, लेकिन अगर आपने वो पोस्चर देखा हो इंडियन आर्मी सोल्जर का जो खड़ा है बुलडोजर को ब्लॉक करके, वो कहते हैं कि देखिए आप ये रोड कंस्ट्रक्ट नहीं करने कर सकते, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो वो जो काफी एक स्ट्रेट मैसेज भेजा था हमने चाइना को, और उन्होंने वापस बंद कर दिया रोड, भले ही उन्होंने वहां पे डेवलपमेंट करने लगा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सारा उन्होंने अब बना दिया डोकलाम में 3 साल पे। लेकिन अभी आते हैं पंगोंग सो और गलवान पे, अगर वो वहां से वैकेट नहीं करते हैं तो हमें मजबूरन कुछ करना पड़ेगा। उसी तरह के एक जो एक सोल्यूशन बताया जा रहा है कि अगर उन्होंने डीएस्केलेट नहीं किया या फिर फिंगर फोर जो कहते हैं पंगोंग सो एरिया में कब्जा कर लिया है, अगर वो वहां से विड्रॉ नहीं कर सकते तो हमारा ये हक बनता है कि हम किसी और जगह में जाके बैठ जाए जहां पे हमारी मतलब ज्यादा हम स्ट्रॉन्गर पोजीशन में हो, हमारी जो सप्लाई लाइन्स हैं शॉर्टर हैं, या फिर तो फिर हम ट्रेड ऑफ कर सकते हैं। लेकिन मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ आज के जो कल के जो 12 घंटे के जो टॉक्स हुए उससे काफी सारा एक रे ऑफ होप आ गया है उसमें कि डीएस्केलेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बार हम पहले उनको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ट्रस्ट करेंगे। तो ये जो जून 15 का जो इंसिडेंट हुआ है, ये मतलब 50 साल से भी ज्यादा पहली बार इंसिडेंट इस तरह के वायलेंट घटना हुई है, और वो एक चाइना की तरफ से हुआ है। इस बार हम उन्हें ट्रस्ट नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है। जिस तरह से पहले के जो इंसिडेंट्स थे, हमने काफी सारे वीडियोस देखे हैं ये सिक्किम से या फिर लद्दाख से, कि जो कैमराडरी टाइप की है दोनों साइड में, ये मुझे नहीं लगता ये आइंदा से आगे से ये ऐसा होगा। ये क्योंकि हमारे काफी सारे जाने गई है, हमारे बहादुर जवानों बहादुर सिपाहियों की जो जाने, 20 पहली बार इतने नंबर्स में हमारे सिपाही शहीद हो गए चाइना बॉर्डर पे, ये बहुत ही गंभीर घटना है। और मुझे लगता है ये जो सारी जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो है, इसके बाद भले ही हमने एक दूसरी अग्रीमेंट ना बनाए, लेकिन ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट इस तरह मतलब पूरी तरह से ये रिवाइज हो जाएगा इस इंसिडेंट की वजह से, और हम थोड़ा और हम सस्पिशियस रहेंगे चाइनीज इंटेलिजेंस को लेके बॉर्डर पे। ऐसा नहीं जैसे कर्नल संतोष ने शायद मतलब उन्होंने काफी ट्रस्ट किया होगा चाइनीज कि मतलब वो एकदम गए उनके पास, मतलब पूरे हथियार नहीं लेके गए होंगे, मुझे नहीं लगता है वो सारे मतलब फुली आर्म्ड थे, क्योंकि वो भी एक मतलब डिप्लोमैट्स की तरह एम्बेसडर की तरह गए थे। ऐसा नहीं कि जैसे प्रोटोकॉल्स में बताया गया कि वेपन्स आप हाथ में नहीं कैरी कर सकते, सख्त मना है कि आप जब पेट्रोलिंग करते हैं वेपन्स को आप हाथ में नहीं ले सकते, आपके पीठ पे उसको बांधना पड़ता है और बैरल भी नीचे करना हो क्या, ताकि दूसरी साइड को ये ना हो कि आप मतलब अग्रेसिव मूव के एक साथ आ रहे हैं। लेकिन ये सारे जो प्रोटोकॉल है मुझे लगता है धीरे धीरे रिवाइज होंगे, सिर्फ वो जून 15 इंसिडेंट की वजह से। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी तरह चाइना के ऊपर है, जो उन्होंने किया जैसे शिव ने कहा पूरी तरह से प्रीमेडिटेटेड हमला किया उन्होंने, सिर्फ
हमारे ट्रूप्स को टेरराइज करने के लिए और उनको पीछे मतलब एक धक्का पहुंचा के उनको इविक्ट करने के लिए वो वैली से, तो मुझे नहीं लगता आप जो है सिचुएशन पहले जैसे होगा, जैसे आपने देखा कि जो कैमराडरी थी वो बॉर्डर पे और चाइना वो इसके बाद एक तरह का एक धक्का लग गया है उस पूरे प्रोसेस को। मैं दो तरह के स्टेटस को के पर लौटने के बारे में आपने दोनों गेस्ट के विचार चाहता हूं। शिव, एक प्रैक्टिकल स्टेटस को हमको कब तक मिल पाएगा जो पहले था जैसा अप्रैल में था वो, और डिप्लोमेटिक लेवल पे जो हमारे इंडो चाइना रिलेशंस हैं स्पेशली एलएसी के कॉन्टेक्स्ट में वो संदीप बताएंगे। शिव, ओके, ऑन द इशू ऑफ डिसएंगेजमेंट, आप डीएस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है अभी निखिल, क्योंकि देखो जून 6 के जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल मीटिंग्स हुआ था चुशुल मोल्डो में, वो पहली बार हुआ था लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर लेवल पे, और उसमें बिल्कुल ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस हुए थे कि देखो भैया बहुत पॉजिटिव कॉर्डियल एटमोस्फियर है और हमने डिसएंगेजमेंट की सहमति जनरेट हुआ है इस मीटिंग में और अब हम बात करते रहेंगे और डीएस्केलेशन शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने कुछ न्यूज स्टोरीज देखे थे कि थिनिंग ऑफ ट्रूप्स, टोकन डीएस्केलेशन हैज बिगन इन गलवान, और उसके बाद नौ दिन बाद आपको सबको पता है कि क्या हुआ था गलवान वैली में। इसलिए मैं बहुत कॉशियस हूँ, मैं संदीप से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि टॉक्स पर से अच्छी बात है, इसका मतलब है कि ये दो न्यूक्लियर नेबर्स जो है एटलीस्ट बात तो कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन और ये भी संदीप ने बताया, हम बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं इसको एम्बेलिश नहीं करना चाहता हूं, ट्रस्ट अभी जीरो है, अभी इंडिया और चाइना का ट्रस्ट जीरो है अभी बिकॉज ऑफ गलवान इंसिडेंट, और इसलिए फर्स्ट वेरीफाई देन ट्रस्ट, क्या एस्केलेशन हो क्या डीएस्केलेशन होगा वो विजिबली क्या हम वेरीफाई कर सकते हैं, ये जो मोडालिटीज है इसके बारे में मेरा इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट टॉक्स और मतलब जॉइंट स्टेटमेंट इस पे मतलब बात बिगड़ चुकी है उससे, अब तो देखना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं, और जैसे संदीप ने बताया कि हम उस साइड जाके बैठ सकते हैं किसी और सेक्टर में प्रेशर लगाने के लिए, कुछ एक्सचेंज ऑफर हो सकता है, वो सब बिल्कुल हो सकता है, टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग तो बिल्कुल हो सकता है। ये मैं साफ साफ कह सकता हूं कि इंडिया ने जो थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाया है गलवान में वो तो बिल्कुल शैटर हो गया है, वो तो नहीं रहा अभी, तो आगे जाके देखते हैं कि चाइना क्या करता है। और लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं, मैंने अभी इस कॉल के 10 मिनट पहले मैं एक आर्मी दोस्त को फोन किया जो अरुणाचल में है, वो एक चाइना एक्सपर्ट है, और मैंने इस स्टेटमेंट के बाद उनको फोन किया और ऐसे ही पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज टॉक्स एंड ये स्टेटमेंट, और उसने बोला, तीन शब्द बोला उसने, चाइना डजंट टॉक, मतलब तीन शब्द, China doesn't talk. मतलब look at their actions, don't believe their words. उनके actions पे विश्वास करो, शब्दों पे नहीं, बस।